नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरण। म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करते समय हम फंड की रिटर्न हिस्ट्री देखते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान फंड का प्रदर्शन भी देखते हैं, लेकिन एक और जरूरी चीज जो कई बार आपको देखनी पड़ती है वो है फंड का साइज। जी हाँ, जरूरी चीज जो कई बार आपको देखनी पड़ती है वो है फंड का साइज। जी हाँ, फंड साइज का भी काफी हद तक आपके निवेश पर असर पड़ता है। तो आखिरकार क्यों फंड साइज देखना चाहिए, फंड साइज चेक करना कितना जरूरी है, फंड साइज बड़ा है तो इसका आपके निवेश पर कैसे असर पड़ेगा और फंड साइज का रिटर्न पर कितना असर पड़ता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जीएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर जितेंद्र सोलंकी जी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको तमाम बारीकियों से वाकिफ भी कराएंगे कि आखिरकार फंड हाउस के साइज का आपके निवेश पर किस तरह से असर पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये बता देते हैं कि अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने कुछ सवाल जितेंद्र जी से पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वक्त हमारा ये शो दोनों पेजेस पे लाइव है। वहां पर आपको जाना है, कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप करना है और हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो शामिल कर पाएं। तो फंड साइज का आखिरकार निवेश पर कैसे असर पड़ता है, आज हम यही चर्चा कर रहे हैं। तो जितेंद्र सोलंकी जी, जरा सबसे पहले यही समझाइए कि आखिरकार ये फंड साइज से मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से निवेशक ये नहीं समझ सकते हैं कि फंड साइज का मतलब क्या होता है। देखिए, फंड साइज का मतलब होता है कि आपका फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम, वो कितना कॉर्पस मैनेज कर रही है। आप कोई फंड 1,000 करोड़ का भी कॉर्पस मैनेज कर सकता है, कोई फंड 4,000 करोड़ का कॉर्पस मैनेज कर सकता है, और जिस फंड की हम बात कर रहे हैं, चर्चा आज करेंगे, वो फंड साइज लगभग 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ से ऊपर के कॉर्पस मैनेज करते हैं। तो आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपने निवेश करा हुआ है, उसका कितना कॉर्पस साइज है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा या वो किस तरह से मैनेज होगा, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो कॉर्पस साइज का मतलब होता है कि उसमें जो टोटल निवेशकों का पैसा लगा हुआ है उसका जो साइज क्या है। बिल्कुल, तो फंड साइज का क्या मतलब होता है ये तो आपने बखूबी समझ लिया, लेकिन जब फंड साइज बड़ा हो जाए तो उससे आखिरकार जितेंद्र जी असर क्या पड़ता है। लेकिन शेयर बाजार के अंदर दो तरह की फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है कि डेप्थ क्या है आपके हमारे मार्केट का, और दूसरा लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है। आमतौर पर अगर हम शेयर बाजार की तरफ देखें तो लगभग 5,000 से ऊपर लिस्टेड स्टॉक्स होंगे, लेकिन हम जब हम विभिन्न पैरामीटर्स को लेते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कंपनीज़ की, या डिविडेंड वो कितना इन्वेस्टर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, इस तरह के जब हम पैरामीटर्स लेते हैं तो हम पाएंगे कि शायद इनमें से 250 से 300 के स्टॉक्स हैं जो इस पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं और दूसरे स्टॉक्स नहीं। तो यानी कि अगर कोई फंड साइज कॉर्पस बड़ा होता है, म्यूचुअल फंड स्कीम का कॉर्पस बड़ा होता जाता है, तो उसको इन 250-300 स्टॉक्स के या कंपनीज़ के बियॉन्ड कंपनीज़ देखनी पड़ती हैं। अब अगर ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादा निवेश हो जाएगा तो इन कंपनीज़ के अंदर लिक्विडिटी इशू ज़्यादा होता है, तो यानी कि फंड के अंदर खुद अपने आप में एक लिक्विडिटी इशू आ जाएगा और फंड से रिडम्पशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी कॉर्पस साइज बड़ा होता है तो ये एक बड़ा चैलेंज आता है फंड मैनेजर के लिए कि क्या केवल इन्हीं स्टॉक, इन्हीं कंपनीज में जो है निवेश किया जाए या इस कंपनीज के बियॉन्ड जो है अपना कॉर्पस को बढ़ाया जाए। तो जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि 250 से करीब 300 कंपनीज ही ऐसी होती हैं मार्केट में जिनमें निवेश के लिए सही, जिन्हें निवेश के लिए सही भी समझा जाता है, लेकिन जब फंड साइज बड़ा हो जाता है, चूंकि फंड मैनेजर जो है इनके अलावा भी बाकी कंपनीज पर नजर पूरी बनाए रखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इस तरह के फंड हाउसेज में जो है उतार चढ़ाव हमें रिटर्न में ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर जो फंड है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर वो निवेश अपना इन कंपनीज के बियॉन्ड ले जाके बढ़ा दी है तो आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन फंड्स के अंदर लिक्विडिटी इशू एक अलग बात है, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, उनकी परफॉर्मेंस जो है कभी बहुत ज़्यादा जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर उतार चढ़ाव इन कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा होगा और फंड का जो कॉर्पस है, अगर उसमें एक्सपोजर इन कंपनीज़ का ज़्यादा है, तो उस स्कीम में अपने आप में उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये उस स्कीम के कॉर्पस पे या स्कीम पे डिपेंड करता है कि वो इन स्टॉक्स में कितना एक्सपोजर ले रहा है अपने टोटल कॉर्पस साइज का।
तो क्या सिर्फ फंड के साइज को देखकर ही ये निर्णय लिया जाना चाहिए कि उसमें निवेश करना है या नहीं करना है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, फंड साइज का कॉर्पस जो है वो एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे फंड का कॉर्पस बढ़ेगा तो फंड मैनेजर क्या रणनीति ले रहा है, उसको निवेश को वो कैसे कर रहा है, ये एक फैक्टर होगा उसके रिटर्न को देखने के लिए। लेकिन ये चैलेंजेस हर स्कीम पे आएंगे, जो भी स्कीम मान लीजिए 15 साल पहले शुरू हुई है, या आज हम किसी भी अच्छी स्कीम की बात करते हैं जो 17 साल 20 साल पहले शुरू हुई थी, उनका अगर आज कॉर्पस साइज देखेंगे तो आपका 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ से ऊपर आप पाएंगे। तो वो ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि इन चैलेंजेस को वो कैसे पूरा कर रहे हैं। तो हम जिसके बारे में बात करते हैं कि इन चैलेंजेस में क्या होता है और कैसे इसको जो है फंड मैनेजर जो है मीट करता है। तो सब निवेश करने के वक्त जो है आपको हर पहलू पे गौर करना चाहिए, सिर्फ फंड साइज जो है उसको देखकर ये नहीं तय करना चाहिए कि आखिरकार इसमें निवेश करना है या नहीं करना है, बल्कि उसकी पूरी तरह से हिस्ट्री एक बार देखनी चाहिए, आपको रिटर्न पर पूरी नजर जो है वो भी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन जितेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो है हमारे पास फेसबुक पे अभी जस्ट आया है, उसे शामिल कर लेते हैं। दिनेश भारद्वाज का ये सवाल है, ये भी कुछ ऐसे ही दो फंड्स के हाउसेस के नाम बता रहे हैं जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं, SBI ब्लू चिप फंड के बारे में और HDFC हाइब्रिड फंड के बारे में। ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों फंड्स का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? देखिए, हम वही बात कर रहे थे कि फंड साइज का कॉर्पस बड़ा हो गया है, तो अब क्या फैक्टर्स आप देखें जिससे आप एनालाइज कर सकें कि वो फंड जो है ठीक है निवेश करने के लिए या नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा और बारीकी में लेते हैं कि जब फंड साइज का कॉर्पस बड़ा हो जाता है तो फंड मैनेजर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखिए, कुछ जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसके अंदर अगर एक्सपोजर जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनमें ज़्यादा होता है तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि उससे कम करके और लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा कर लेते हैं। उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। दूसरा, लिक्विडिटी जो फैक्टर है वो जो है एड्रेस हो जाता है, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे उनमें लिक्विडिटी कम होगी। तो ये एक पहला जो फैक्टर है इसको एड्रेस करते हैं फंड मैनेजर। इसके अलावा जो अगर हम दूसरे उसमें देखेंगे तो कुछ मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो कुछ टाइम के लिए इन्फ्लोज बंद कर देती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फ्लोज आएगा उतना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगा, खासकर जो सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में है। तो वो भी एक बड़ा एक फैक्टर है जिसको जो है फंड मैनेजर यूटिलाइज करते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रेरियन अगर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो उसके अंदर भी लिक्विडिटी इशू जो है वो एड्रेस हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम उन स्टॉक्स को या उन कंपनीज को बाय कर रही है जो शायद मार्केट में दूसरे लोग सेल कर रहे हैं, तो एक जो टोटल इम्पैक्ट कॉस्ट होता है वो कम रहता है। लास्टली, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि जो रिसेंटली जो अभी टोटल एक्सपेंस रेशो चेंज हुए थे उसमें हम देखेंगे जो बड़े म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी कि 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ऊपर के, उसमें रेगुलेटर ने एक्सपेंसेस को बहुत कम किया है, 50 या 75 बेसिस वो कम हो गया है। तो उतना ही जो कम एक्सपेंस रेशो है वो नेट रिटर्न पे जो है इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टर के, तो यानी कि इन्वेस्टर को उतना ही रिटर्न जो है उस पर बेहतर मिलेगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं या कुछ एक चैलेंजेस हैं जिस जो कि फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी जो हैं इस तरह से इसको पूरा करती हैं। तो जो दो फंड इन्होंने जो नाम लिए वो फंड भी लार्ज कॉर्पस साइज में आते हैं और वो कहीं ना कहीं इसी तरह की स्ट्रैटेजीज को अपना रहे हैं एड्रेस करने के लिए। और अगर परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस कम नहीं हो रहा है बल्कि बेहतर हो रहा है। तो अगर आपका जो फंड है वो कॉर्पस साइज के मुकाबले अगर फंड जो है वो बेहतर रिटर्न देता जा रहा है आपको साल दर साल या पिछले 5 साल का आप जब रिकॉर्ड निकालेंगे, और दोनों ही मार्केट में हम खाली बुलिश मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि बियर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मेरी राय में वो फंड निवेश के लिए बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल, तो निवेश के लिए फंड्स जो है ये सही साबित हो सकते हैं। क्या इस बीच में कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र रावत हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, मैंने जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे को ये जानना है कि मेरा पोर्टफोलियो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि बैलेंस है या उसको और डाइवर्सिफाइड जो है किया जा सकता है। जी,
तो मैं आपको जितेंद्र जी बता देती हूँ कि देवेंद्र जी ने अपना पोर्टफोलियो जो हमें ईमेल के जरिए भी भेजा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में करीब 22,000 रुपए का ये मासिक निवेश कर रहे हैं। बच्चों के खाते जो है वो ये करीब 2,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और इन्हें 15 साल में जो है 40 लाख रुपए चाहिए, 20 साल में इनको 50 लाख रुपए और चाहिए और 22 साल में इनका 4 करोड़ रुपए के फंड का लक्ष्य भी है, 10 साल में भी इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो कितना निवेश जो है इन्हें करना होगा ये वो जानना चाहते हैं। और इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल बता दूं 4 फंड्स हैं जिसमें SBI ब्लू चिप, आदित्य बिरला सनलाइफ इक्विटी फंड, कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटीज और कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है। तो क्या सलाह देंगे कि निवेश कुछ बढ़ाने की जरूरत है और पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए, जो गोल इन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं अगर उन गोल का हम आकलन करें तो इनको लगभग 40,000 से 45,000 पर मंथ के बीच में निवेश करना पड़ेगा इन टोटल, गुना इनको करना पड़ेगा निवेश जितना वो हालिया निवेश कर रहे हैं। तो उनको तो अगर इनको पहले देखना होगा कि उतना वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी अगर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं तो इनको एक बार गोल दोबारा से रिविजिट करने होंगे और गोल टारगेट को रिड्यूस करना होगा। जहाँ तक फंड्स की बात है तो मेरी राय में फंड्स जो है इनका काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है और जितने भी फंड्स हैं ये सभी अच्छी कैटेगरी से आते हैं और एक मिक्स इन्होंने बनाया हुआ है। तो फंड्स को ये बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को एजुकेशन के लिए स्मॉल और मिड कैप का चुनाव किया, तो जब आप स्मॉल और मिड कैप फंड का चुनाव करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका होराइजन कम से कम 10 या 15 साल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा अगर लेट चुनाव करते हैं और हमारे पास केवल 6-7 साल रह जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम तब भी इन फंड्स का चुनाव करते हैं। तो मेरी राय में वो इस बात एक जरूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो इसको 10 या 15 साल कम से कम दें उससे अच्छा रिटर्न पाने के लिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं देवेंद्र जी आपको सलाह जो है वो मिल गई होगी और किसी के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। निवेश अगर आप अभी फिलहाल बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। थोड़े सा लक्ष्यों को एक बार फिर से देखिए, उन पर गौर कीजिए और उसके बाद ही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए। खैर, इस बीच में एक कॉलर और भी हमारे साथ जुड़ गई है, मंजू हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए मंजू जी। मैम, मैंने अपने म्यूचुअल फंड में आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ डिटेल में, मैम मेरे को बताइए मैम ये जो मैंने डाले हुए HDFC एडवांस फंड में और ICICI प्रूडेंस फंड में और हाँ इसमें भी डाले हैं मैंने, तो ये मेरे लिए और कुछ मेरे टर्म प्लान बोलते हैं क्या बोलते हैं HDFC लाइफ में डाले हैं, तो ये मेरे लिए सूट करते हैं कि नहीं? क्योंकि HDFC एडवांस फंड में तो बहुत ही ज़्यादा मेरा नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि मैंने डायरेक्ट नहीं लिया था, रेगुलर लिया था, रेगुलर के चक्कर में डायरेक्ट में स्विच किया मैंने तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ मेरा इसमें, तो मुझे बताइए इस फंड में रहूं या मैं निकल जाऊं इनमें? बिल्कुल, तो मंजू जी का मैं आपको बता देती, पोर्टफोलियो इनके ये जो है फिलहाल करीब 5.5 लाख का इन्होंने एक मुश्त निवेश किया हुआ है, 1,36,000 रुपये का सालाना निवेश भी कर रही हैं और HDFC जैसा कि इन्होंने बताया म्यूचुअल फंड इनकी पसंद भी है, ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड में भी इनके कुछ निवेश हैं, साथ ही कुछ फंड्स पर आपकी राय भी चाहती हैं जितेंद्र जी, जिसमें SBI के म्यूचुअल फंड्स हैं, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड है, ICICI के MNC फंड है और इनके पोर्टफोलियो में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड भी शामिल है, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड भी शामिल है, HDFC लाइफ प्रो ग्रोथ प्लस है, HDFC लाइफ पर्सनल पेंशन प्लस भी है और HDFC SL प्रो ग्रोथ प्लस भी है, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? मंजू जी, मेरी राय में आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वह काफ़ी कॉम्प्लेक्स करा हुआ है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रही हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी केवल हाइब्रिड कैटेगरी और एक म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा अपने कॉर्पस इकट्ठा करा हुआ है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप ज़्यादातर जो भरोसा है वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड उसमें कर रहे हैं, तो इस थोड़ा इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करिए। पहली बात तो जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि उनमें जो रिटर्न मिल रहा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको बदल सकते हैं। जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाते हैं
तो सिंपल पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहले तो आप लार्ज कैप को इंक्लूड करें। लार्ज कैप फंड आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी देते हैं। इंडेक्स फंड आप चुनाव कर सकते हैं या लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। इसके अलावा आप मिड कैप कैटेगरी में तभी जाइए जब आपका रिस्क एपेटाइट बोलता हो कि आप उसकी वोलेटिलिटी देख सकते हैं, अदरवाइज मिड कैप को आप अवॉइड करिए। लार्ज कैप और मल्टी कैप का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मेरी राय में वो एक बेहतर पोर्टफोलियो होगा। और एक ही कैटेगरी से बहुत ज़्यादा फंड ऐड मत कीजिए जैसा आपने हाइब्रिड से किया हुआ है, क्योंकि उससे डुप्लीकेशन ज़्यादा होता है। और हाइब्रिड के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, तो पहला आप उन स्ट्रैटेजीज को समझ लीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छा होता है, उसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा है, लेकिन अपसाइड आप बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते। तो मेरी राय में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए अगर आप ये वोलेटिलिटी नहीं देख सकते हैं। तो मंजू जी, जैसा कि जितेंद्र जी ने कहा कि आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि लार्ज कैप फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, और उम्मीद करते हैं कि जितेंद्र जी की सलाह के साथ आपकी तमाम तरह की दुविधाएं जो हैं वो मन की ज़रूर दूर हो गई होंगी। जितेंद्र जी, हमने तमाम तरह की चुनौतियों की तो बात की जो फंड मैनेजर्स के सामने आती हैं, पर इस तरह की चुनौतियों से वो निपटते कैसे हैं जब फंड साइज़ बड़े हो जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ फंड मैनेजर को अपनानी पड़ती हैं जब इस तरह जब एक कॉर्पस साइज़ बड़ा हो जाता है। सबसे पहला निर्णय तो यही होता है कि लिक्विडिटी इशू जो है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं, अगर साइज कॉर्पस बड़ा है और रिडम्पशन प्रेशर आता है तो वो रिडम्पशन इलिक्विड स्टॉक से कैसा होगा। तो कुछ जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर अपना एक्सपोजर लार्ज कैप में रखते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर में कम कर देते हैं। वहीं पे जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स भी, अगर उनका कॉर्पस साइज बड़ा हो जाता है तो वो अपना लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। इससे लिक्विडिटी इशू एड्रेस हो जाता है, यानी कि जब भी लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो लार्ज कैप से निकालना आसान होता है। दूसरा, जो पोर्टफोलियो में चर्निंग है वो फंड मैनेजर कम करते हैं, यानी कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को ज़्यादा अपनाते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर फंड में लगातार जो है इनफ्लो आ रहा है तो मिड और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है फंड मैनेजर के पास, तो कुछ टाइम के लिए जो है वो इनफ्लो को रोक दिया जाता है, जिससे कि जो कॉर्पस बना हुआ है ऑलरेडी उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। और दूसरा, इसके अलावा फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है जिसके अंदर जो स्टॉक सिलेक्शन है या कंपनी का सिलेक्शन है वो लार्ज कैप की तरफ फोकस होता है। यानी कि अगर कुल मिला के हम देखें तो जो भी फंड्स है जिनका भी कॉर्पस ज़्यादा बढ़ जाता है उनका फोकस लार्ज कैप स्टॉक की तरफ, कंपनीज की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। और जो एक्सपोजर उसकी 300 कंपनीज की हमने जैसे बात की, इसके बियॉन्ड जो होता है वहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो इसी तरह से जो है फंड मैनेजर चैलेंज को जो है वो पूरा करता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जितने भी इस तरह के फंड्स आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर फंड्स में आप पाएंगे कि फंड मैनेजर काफ़ी टाइम से स्टिक है उस फंड के अंदर, यानी कि वो 5 साल 10 साल 15 साल से उसी फंड के साथ है। तो जब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक, तो वो जानता है कि उसको कैसे मैनेज करना है कॉर्पस को। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए जो हैं चुनौतियों से निपटते हैं फंड मैनेजर्स। खैर, इस बीच में एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनके पास पहले चलते हैं, फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ सूरत से सीजी पटेल जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीजी पटेल जी। हेलो मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैंने व्हाट्सएप थ्रू भेजा था, मेरे पास म्यूचुअल फंड की 3 SIP चल रही है जी। हाँ, कोटक का मल्टी कैप, एक सुंदरम की है IDFC होकर, और उसके अलावा दूसरी दो जो एक्सिस बैंक वाली और IDFC जो मैंने स्टॉप करके रखी है। मेरी एज 59 है। मेरा ऐसे स्पेसिफिक कोई गोल नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं सेविंग करता हूँ। मेरे ख्याल से 5-6 साल तक मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो ये फंड है वो सही है कि कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, जैसा कि सीजी पटेल जी ने बताया, रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है, 5-6 साल तक बता रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी रख सकते हैं। और क्या सलाह देंगे कि इनके पोर्टफोलियो के बारे में, क्या इन फंड्स में 5-6 साल के लिए निवेश करना इनके लिए ठीक रहेगा? देखिए, 5-6 साल मेरी राय में बहुत ज़्यादा लंबा होराइजन नहीं होता है, और अगर इनको 5-6 साल के बाद इन फंड को यूटिलाइज करना है
इनको देखना होगा इक्विटी में एक्सपोजर कितना होना चाहिए इनका, और धीरे धीरे, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो अगर 6 साल के बाद रिटायरमेंट है और आपको इक्विटी फंड से निकलना है तो आप ये 2-3 साल पहले आप उस फंड से जो है निवेश निकालना शुरू कर देते हैं, यानी कि 6 साल का होराइजन वो घट के जो है 4 साल रह जाता है। तो उस होराइजन के अकॉर्डिंग इनको कब फंड से निकलना है वो इनको देखना होगा। दूसरी बात, जो इनका पोर्टफोलियो है, मेरी राय में 5 फंड की इनको ज़रूरत नहीं है, 2-3 फंड रखेंगे वो बेहतर है। आप लार्ज कैप ज़्यादा रखिए क्योंकि होराइजन बहुत लंबा नहीं है, आप लार्ज कैप पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मिड कैप को जो है आप जो है अवॉइड कीजिए इतने कम होराइजन में। और लार्ज कैप के अंदर आप एक एक्टिव लार्ज कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग फंड में से आप IDFC फंड के मुकाबले आप उनसे बेहतर फंड चुनाव कर सकते हैं। तो मेरी राय यही होगी कि आप रिटायरमेंट नियर है आपका, आप फंड का साइज, फंड के जो नंबर्स हैं वो कम करें, 2 या 3 फंड रखें और लार्ज कैप को ज़्यादा रखें, और मल्टी कैप एक आप ऐड कर सकते हैं। इन दो के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बेहतर पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सी जी पटेल जी, आपके लिए सलाह ये है कि अगर आप लार्ज कैप फंड्स में निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा रिस्क जो है फिलहाल इस उम्र के पड़ाव में लेने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा कि जितिन जी ने भी कहा। खैर जितिन जी, आखिर में जाते जाते ज़रा निवेशकों को ये भी बता दीजिए कि कौन सी ऐसे फंड हाउसेज हैं जिनका हाल फिलहाल में हमने देखा है कि साइज़ बहुत बड़ा हो गया, और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं कुछ फंड्स के नाम लूँगा जो कि परफॉर्मेंस में बेहतर हैं लेकिन कॉर्पस साइज उनका काफ़ी बड़ा है, तो आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, वो एक फंड है, ICICI पोटेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, इसके अलावा भी और SBI ब्लू चिप फंड आप पाएंगे। तो ये वो फंड है जिनका कॉर्पस साइज बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस इनका जो है साल दर साल बेहतर रहा है, तो यानी कि ये कॉर्पस, उस कॉर्पस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, फंड मैनेजर वो स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं जिससे कि इन फंड का जो परफॉर्मेंस वो बना रहे। तो कोई भी निवेशक जब आप कॉर्पस साइज को बड़ा देखते हैं तो आप ये देखना ज़रूरी होता है कि फंड मैनेजर क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, और ऐसे फंड बुलिश और बियरिश मार्केट दोनों मार्केट में परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप इन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं तब आप जो है ये निर्णय कर सकते हैं कि बड़े फंड साइज में निवेश करना कितना बेहतर है और नहीं। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जब फंड हाउस का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो देखिए जरूर परखे जरा कि किस तरह से फंड मैनेजर्स जो हैं वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये तमाम बारीकियां बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।